नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा पुलिस को मिली सफलता। ताजनगरी आगरा में ट्रकों पर फर्जी लोन कराने वाले गैंग को पकड़ा। जी हां दोस्तों, आगरा के थाना हरी पर्वत पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर ट्रकों के इंजन और चेसिस नंबर बदलकर फर्जी लोन करवाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग के दो सदस्यों को पकड़ा है। ये पुराने ट्रक खरीद कर फर्जी तरीके से लोन कराकर रकम हड़प लेते थे। इस खेल में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश जारी है। डीसीपी सिटी सूरज कुमार राय ने बताया कि एसटीएफ और थाना हरी पर्वत पुलिस को सूचना मिली थी कि ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रकों के चेसिस और इंजन नंबर बदलकर फर्जी लोन कराने वाला गैंग सक्रिय है। सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर दो लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इनमें एक आरोपी विकेंद्र तोमर निवासी डॉकी व दूसरा आरोपी देवेंद्र उर्फ प्रेम निवासी धौलपुर है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि यह लोग पुराने और लोन की किस्त ना चुकाने वाले लोगों से कम दाम पर ट्रक खरीदते थे। इसके बाद इन ट्रकों को लाकर इनके चेसिस नंबर और इंजन नंबर को बदल देते थे। इसके बाद फर्जी नंबर डालकर उनका रजिस्ट्रेशन कराते थे। फिर इन ट्रकों पर अलग अलग राज्यों से लोन करा लेते थे। आरोपियों के पास से 3 ट्रक, 1 कार, 10 कूटरजित ड्रेस बोर्ड, 8 फर्जी इंजन प्लेट, 3 ATM कार्ड बरामद हुए हैं। आरोपियों ने बताया कि ये लोग एक पर कई बार लोन कराते थे। इनके साथ आरटीओ और बैंक के लोगों की संलिप्तता भी जांच की जा रही है। तो जानिए डीसीपी सूरज कुमार राय से क्या कुछ है पूरा मामला, किस प्रकार इस गैंग के सदस्य फर्जी लोन कराते थे। देखिए, थाना हरी पर्वत और एसटीएफ आगरा यूनिट की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से एक गैंग पकड़ा गया है। ये गैंग फर्जी रूप से जो ट्रक्स होती थी, लोगों से बातचीत करके पुरानी गई ट्रक को खरीद के और उनके इंजन नंबर और चेसिस नंबर को चेंज करा के और उनपे अवैध तरीके से लोन कराने का काम किया करता था, उनके फर्जी दस्तावेज बना के। और जब पूछताछ की गई तो पाया गया कि 3 जो ट्रक बराबर है, इसमें से किसी पे 14-15 लोन तक किया गया है। ये सारा काम फोर्जरी करके और गैंग बनाकर होता था। अभी तक इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और ये एक इंटर स्टेट गैंग है, एक धौलपुर का भी रहने वाला अभियुक्त है और बाकी की भी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई जारी है और इन दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। 3 ट्रक्स बरामद हैं इनके पास से, एक स्विफ्ट कार भी और कूटरचित डैशबोर्ड और अन्य सारी चीजें जो बरामद की डिटेल है आपको प्रेस नोट में दी गई। नहीं देखिए, एकदम कंडम पे कैसे आप लोन लेंगे, पुरानी ट्रक होती थी और कई बार जब उसका ऋण लेने के लिए यूज हो रहा है तो ठीक हालत में ही होते थे, लेकिन एकदम नए नहीं होते थे। उसको एक औने पौने दाम पर ये लोग पुराने किसी इसके इंडिविजुअल ओनर से लेते थे, फिर उसकी आइडेंटिटी जो होती है ट्रक की, जो इंजन नंबर और चेसिस नंबर होता है, चेंज करके उसको एक नई पहचान देके उस पर नए सिरे से ये लोन कराते थे, उस लोन का लाभ लेते थे। देखिए, पूरी जानकारी की जा रही है, बैंक आरटीओ अन्य जो इनके गैंग के लोग हैं उसके इन्वॉल्वमेंट की जांच की जा रही है। यदि कोई आता है तो उसको हम लोग विवेचना में लाएंगे। देखिए, आपराधिक इतिहास की भी जानकारी की जा रही है। एक व्यक्ति जो है वो बाहर का रहने वाला है, एक व्यक्ति आगरा जनपद का ही है। कोई इतिहास सामने आता है तो उसको आपको। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान सिविल न्यूज।